इंडिया में अगर आप असली स्नोफॉल को एंजॉय करना चाहते हैं तो मनाली चले आइए। बहुत ही कम कॉस्ट में आप दिल्ली से मनाली का पैकेज लेकर के अपने पार्टनर, फैमिली या फ्रेंड के साथ कुदरत के अद्भुत स्नोफॉल के नजारों का मजा उठा सकते हैं। आज के वाईटी भारत के इस वीडियो में मैं आपको लाइव मनाली स्नोफॉल के व्यूज दिखा रहा हूं, सारी जानकारी दूंगा, कोविड सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, नाइट कर्फ्यू का क्या स्टेटस चल रहा है, वॉल्वो बस चल रही है कि नहीं चल रही है, मनाली के आपातकालीन नंबर के बारे में आपको बताऊंगा और बहुत सारी जानकारियां आपको देने वाला हूं। इसी तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव लेटेस्ट ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए YT भारत चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहे। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करना और हमारी टीम के मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत सारा प्यार YT भारत पर बरसाते रहना। आइए शुरू करते हैं मनाली के लाइव स्नोफॉल के एक्सपीरियंस का आज का बहुत ही जबरदस्त वीडियो। और दोस्तों साथ ही में आपको मनाली गए हुए जितने भी हमारे ट्रैवल पार्टनर्स के क्लाइंट हैं उसमें से कुछ क्लाइंट्स का रिव्यू वीडियो भी आपको दिखाया जाएगा, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आइए दोस्तों, मनाली में स्नोफॉल का असली नजारे शुरू हो चुके हैं। 2 जनवरी, 3 जनवरी और आज के दिन 5 जनवरी को बहुत अच्छी स्नोफॉल हुई थी। दोस्तों 2 जनवरी के दिन अटल टनल और सोनांग वैली में कई सारे लोग फंस गए थे, जिसको बाद में BRO प्रशासन और लोकल लोगों के सहयोग के द्वारा निकाल लिया गया। ऐसा हाल हर साल मनाली में होता है और टूरिस्ट को इसके लिए रेडी भी रहना चाहिए। इसके साथ साथ मंडी से चंडीगढ़ तक का बहुत ही लंबा जाम लग गया था, जो धीरे धीरे ठीक हुआ। यह सारा असर था नए साल पर। इस साल मनाली में टूरिस्टों की भारी जो संख्या आ गई थी उसकी वजह से यह जाम लग गया था। आगे के दिनों में मैं भी इसी तरीके की और स्नोफॉल देखने को मिलेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप मनाली, शिमला, डलहौजी, धर्मशाला का टूर पैकेज लेकर के जाना चाहते हैं तो वीडियो के टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में दिए गए ट्रैवल कंपनी के नंबर पर कॉल करें, पैकेज बुक करवाएं और बहुत सारा एंजॉय करें। दोस्तों आपको कोविड रिपोर्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और नाइट कर्फ्यू जो 4 जगहों पर हिमाचल में लगा दिया गया था, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला और मंडी, उसको भी पूरी तरह से हटा लिया गया है। अब आप हिमाचल के इन 4 जगहों पर नवरात्रि के अंदर भी सफर कर सकते हैं, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। मनाली में अगर तापमान की बात करें तो -0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही चल रहा है और हिमाचल के बहुत सारे जगहों पर, अभी ऊपरी जगहों पर खास करके, बहुत अच्छी स्नोफॉल पड़ती रहेगी लगभग जनवरी के कई दिनों में। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप प्लान करिए। मिलते हैं YT भारत के इसी तरह के बहुत ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल ट्रिप यार। कैसा वसूल ट्रिप रही है हमारी? और बढ़िया से कॉल हो रहा है, बहुत प्यारी। अभी थोड़ी कमी हो गई है पर बहुत तेज हो रही थी और बहुत ही बढ़िया ट्रिप थी। थैंक यू यार, कैसा वसूल थी और बहुत ही अमेजिंग थी। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।